बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कश्मीरी फूड सीक्रेट एक बार फिर हाजिर है आपके लिए। आज हम बना रहे हैं मैंगो आइसक्रीम। व्यूअर, आपके लिए हम ये रेसिपी लेकर आए हैं। ये अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम ऐड कर लें मैंगो और दूध, और इन दोनों को ग्राइंड करके रख लेंगे। व्यूअर, मैंगो और दूध को ग्राइंड करने के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आगे। और कश्मीरी फूड सीक्रेट के जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि न्यू आने वाली रेसिपी आप तक फौरी पहुंच सके। व्यूअर, और कश्मीरी फूड सीक्रेट को दुआओं में याद रखा करें। हम इसी तरह की न्यू रेसिपी आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम ये ग्राइंड करने के बाद हम अब दूध ऐड कर लेंगे कढ़ाई में। व्यूअर, दूध को जब उबाल आ जाए तो फिर हमने ऐड करनी है शुगर। इसीलिए पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। कश्मीरी फूड सीक्रेट इसी तरह की मज़े की रेसिपी आपके लिए लाता रहता है। व्यूअर, ये देखिए व्यूअर, हमारे दूध को उबाल आ चुका है। उबाल आने के साथ ही हमने शुगर ऐड कर देनी है। व्यूअर, शुगर ऐड करने के बाद हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है, इसलिए पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। व्यूअर, शुगर ऐड करने के बाद अब हम ऐड कर देंगे मैंगो आइसक्रीम पाउडर, जो कि हमने दूध में हल कर लिया था। मैंगो आइसक्रीम पाउडर जो हमने दूध में हल कर दिया था वो ऐड करेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पका लेंगे। व्यूअर, एक दो मिनट पकाने के बाद हम ऐड करेंगे मैंगो जो हमने ग्राइंड किया था जूसर में। व्यूअर, अब हम ऐड करेंगे मैंगो जो हमने ग्राइंड किया था जूसर में, वो ऐड कर लेंगे। व्यूअर, ये देखिए व्यूअर, हमने ये ऐड कर लिया है। अब हम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। व्यूअर, पकाने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है और हमने किस तरह फ्रीज करनी है। व्यूअर, ये हमारे साथ ही रहा करें और पूरी वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके। व्यूअर,
वीवर्स, हमने 7 से 8 मिनट पकाने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है और ठंडा करके जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हमने ऐड करनी है फुल क्रीम। फुल क्रीम ऐड करके हमने मिक्स कर लेना है इन सब चीज़ों को, और जिस चीज़ में फ्रीज करनी है उस चीज़ में डालकर फ्रीज़र कर लेना है 6 आवर के लिए, या आप पूरी रात भी रख सकते हैं व्यूअर। हम आपको पूरा बताएंगे व्यूअर्स। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली रेसिपीज आप तक फौरी पहुंच सके व्यूअर। ये देखिए जी व्यूअर, अब हम इस बर्तन में डालकर कम से कम व्यूअर 6 आवर के लिए आपने फ्रीज कर लेना है, और फ्रीज करने के बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह बनी है व्यूअर, इसलिए पूरी वीडियो देखें। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा व्यूअर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके खानों में बरकत दे और आपके कारोबार में बरकत दे व्यूअर्स। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको समझ आ सके व्यूअर। ये देखिए जी, हमने कवर कर लिया है, अब हम 6 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे। फ्रीज करने के बाद हम आपको बताते हैं व्यूअर। ये देखिए जी व्यूअर, 6 आवर हो चुके हैं, अब हम देखते हैं अपनी आइसक्रीम हमारी किस तरह बनी है व्यूअर। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए व्यूअर, देखिए व्यूअर कितनी प्यारी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। हम आपको एक प्लेट में भी निकाल कर बताते हैं, अल्लाह ताला की शान। देखिए जी कितने प्यारी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है, देखिए व्यूअर। इंशाल्लाह ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा व्यूअर। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कश्मीरी फूड सीक्रेट्स के लिए दुआ कीजिएगा। हम इसी तरह की मज़ीद रेसिपी आप तक लाएँगे व्यूअर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और हम इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह आपके लिए लाते रहेंगे व्यूअर। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह हमारी आइसक्रीम कितनी प्यारी तैयार हुई है, हम आपको क्लोज व्यू से भी दिखाएंगे व्यूअर। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कश्मीरी फूड सीक्रेट को दुआ में याद रखें जो आपके लिए ऐसी ऐसी मज़ेदार रेसिपी लाता है। ये देखिए व्यूअर, माशाल्लाह हम आपके सामने ही हमारी आइसक्रीम। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा व्यूअर। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। कश्मीरी फूड सीक्रेट्स को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।